रेव पार्टी और सांप के जहर से नशे के मामले में यूट्यूबर अलविश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बता दें, रेव पार्टी में कथित तौर पर सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में नोएडा पुलिस को गिरफ्तार 5 आरोपियों की 2 दिन की कस्टडी मिल गई है। अब पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर सबूत जुटाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। साथ ही अलविश यादव और आरोपी राहुल यादव का आमना सामना भी करवाएगी, दोनों से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि नोएडा पुलिस मंगलवार को भी पुलिस ने अलविश यादव से 3 घंटे तक पूछताछ की थी। हालांकि इस दौरान अलविश के खिलाफ कोई खास सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा था। सूत्रों की माने तो अलविश यादव से पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी राहुल यादव के सामने बैठा कर पूछताछ कर सकती है। अब पुलिस को सभी आरोपियों की कस्टडी मिल गई है। अब आपको ये भी बता दें कि अलविश यादव से पुलिस क्या क्या सवाल करेगी। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड राहुल यादव बताया जा रहा है। राहुल ने ही PFA के स्ट्रिंग में दावा किया था वह अलविश के लिए भी पार्टी अरेंज करता है। NGO का दावा है कि अलविश ने ही उनका संपर्क राहुल से करवाया था। ऐसे में नोएडा पुलिस राहुल को अलविश के सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। और इससे पहले मंगलवार को अलविश से नोएडा पुलिस ने ये सवाल किए थे, आपके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा सवाल, आपके वीडियो में दिख रहे सांप कहां से आए थे? तीसरा, वीडियो में दिख रहे सांप को लेकर कौन आया था? चौथा सवाल, आप उन सांपों के साथ पोज क्यों दे रहे थे? पांचवा सवाल, क्या आप राहुल यादव, टीटू नाथ, जयकर नारायण और रविनाथ को जानते हैं? छठा सवाल, क्या इन 5 लोगों से आपकी कभी मुलाकात हुई है? सातवां सवाल, आप राहुल यादव के संपर्क में कैसे आए? आठवां सवाल, पार्टी में विदेशी लड़कियों को लेकर कौन आता है, क्या आप जानते हैं? नौवां सवाल, क्या NGO के लोगों की कॉल आपके पास आई थी? दसवां सवाल, क्या आपने उन लोगों को राहुल यादव का मोबाइल नंबर दिया था? अब आपको बता दें कि क्या था पूरा मामला। मेनका गांधी के NGO PFA ने एक स्ट्रिंग किया था। इसके बाद एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस में FIR दर्ज कराई थी। इसमें अलविश का भी नाम था। गौरव ने बताया था कि नोएडा में इस तरह की गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। यूट्यूबर अलविश यादव नोएडा NCR के फार्म हाउस में कुछ लोगों के साथ मिलकर स्नेक वेनम और जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराते हैं। इसके साथ ही गैरकानूनी रूप से रेव पार्टियों का आयोजन कराने की भी जानकारी मिली थी। इसके बाद एक मुखबिर ने अलविश यादव से संपर्क किया। बात करने पर अलविश ने राहुल नाम के एक एजेंट का नंबर दिया और कहा कि उनका नाम लेकर बात कर लो। इसके बाद मुखबिर ने राहुल से संपर्क करके पार्टी आयोजित करने के लिए बुलाया। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों और पुलिस को दी। 2 नवंबर को आरोपी सेवरॉन बैंक्वेट हॉल में सांप लेकर पहुंच गए। इसी दौरान वन विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से 5 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम राहुल यादव, टीटू नाथ, जयकरण नारायण और रविनाथ है। वहीं मौके से 9 सांप भी बरामद किए गए। पुलिस की माने तो आरोपियों के पास 5 कोबरा, 1 अजगर समेत 9 सांप बरामद हुए। सांप का 20 मिलीमीटर जहर भी बरामद किया गया था। इसके बाद सांपों को परीक्षण के लिए भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट से सामने आया था कि जो सांप बरामद हुए थे उनमें से 5 कोबरा की विष ग्रंथि निकली गई थी, बाकी के 4 सांप विषैले नहीं थे। विष ग्रंथि निकालना क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। मेडिकल परीक्षण और कोर्ट की अनुमति के बाद सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद अलविश यादव की सफाई भी सामने आई थी। एक वीडियो पोस्ट करके कहा, मैं सुबह उठा, मैंने मीडिया में न्यूज देखी कि अलविश यादव नशीले पदार्थ के बिजनेस में शामिल है, वो अरेस्ट हो गए हैं। मैं बता दूं कि मेरे खिलाफ जितने भी चीज़ें चल रही हैं वो फेक हैं और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल इसी तरीके की खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे सारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।